ये कहानी शुरू होती है सुंदरपुर नाम के जंगल से। उस दिन बहुत तेज तूफान था, तो वही जंगल में जादुई गोला प्रकट हुआ और उसमें से तीन जादुई छोटे रोबोट निकले। वो रोबोट जंगल में कुछ ढूंढने आए थे। वो रोबोट कुछ दूर जाकर जंगल में एक गड्ढा बनाने लगते हैं। वही जंगल के पास में सुंदरपुर नाम का एक गांव था। वहां गांव में रामू नाम का एक लड़का गांव के चौपाल के पास में रहता था। उसने वही अपनी झोपड़ी लगाई हुई थी। रामू वही के अपनी फलों का छोटी सी दुकान लगाई हुई थी और लोगों को फले बेचा करता था। जैसे ही के दिन बहुत तेज तूफान आया और गांव में बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से गांव वालों को बहुत नुकसान हुआ और बाढ़ में रामू का झोपड़ी और उसका सारा सामान भी बह गया। उस बाढ़ के आने से रामू के पास रहने की कोई जगह नहीं बची थी। ये देखकर रामू बहुत दुखी खड़ा था और कुछ सोच रहा था। इतनी मेहनत से मैंने अपने रहने के लिए वो झोपड़ी बनाई थी, उस बाढ़ के आने की वजह से वो भी नहीं रही और उस बाढ़ में मेरा फलों का दुकान भी बह गया। मेरा तो सब कुछ बाढ़ की वजह से चला गया, अब मैं क्या करूँगा। वो ऐसे ये सब सोच ही रहा था कि वही सामने उसकी नजर वो छोटा रोबोट पर पड़ती है। वो ये सब देखकर रामू बहुत आश्चर्य हो गया और वो उस रोबोट का पीछा करने लगा और वो रोबोट एक गड्ढा के अंदर कूद गया। रामू भी उस गड्ढा के अंदर कूद जाता है। जब रामू उस गड्ढा के अंदर पहुंचा, तो वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया था। वहां उस दुनिया में अलग अलग तरीके के जीव थे। वहां वो तीन जादुई छोटे रोबोट भी थे। एक रोबोट ने रामू को देख लिया और रामू के पास आया। अरे मानव, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे से हुई हमारी जादुई दुनिया में आने की। ये दुनिया सिर्फ जादुई जीवों के लिए है, तुम एक साधारण इंसान हो। रामू ने उस रोबोट को सारी बात बताई कि उसका घर बाढ़ में कैसे बह गया और वो इस जादुई दुनिया में कैसे पहुंचा। दरअसल तुमने जिस रोबोट का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँचे, वो रोबोट हमारा जासूस है। जादुई दुनिया का एक इच्छा पत्थर धरती लोक पर कहीं खो गया है। वो रोबोट उसी पत्थर को ढूंढ रहा था। मेरे रहने की कोई जगह नहीं है, क्या मैं तुम्हारे इस जादुई दुनिया में रह सकता हूँ। नहीं नहीं, तुम यहाँ नहीं रह सकते, यहाँ सिर्फ जादुई जीव रह सकते हैं। हमारी दुनिया में एक विशाल दानव रहता है, वो इंसान खाता है। इससे पहले उसे तुम्हारी इंसानी गंदा जाए, तुम यहाँ से निकल जाओ। रामू जैसे ही उस जादुई दुनिया से निकलता है, वो गढ़ा वह से गायब हो जाता है और वो अपने गांव की तरफ जाने लगता है। रामू गांव की तरफ जा रहा होता है, तो उसे एक छोटा तालाब दिखता है। रामू पानी पीने के लिए उस तालाब के पास पानी पीने जाता है, तभी उससे एक पत्थर दिखता है। रामू उस पत्थर को उठा लेता है। ये तो मुझे वही इच्छा पत्थर लग रहा है जिसका वो छोटा रोबोट बोल रहा था। तभी पीछे से वो दानव प्रकट हो जाता है। रामू जल्दी से उस इच्छा पत्थर से एक बड़ा सा रोबोट प्रकट करता है और वो रोबोट उस दानव को अपने जादुई शक्तियों से मार देता है और वो रोबोट भी गायब हो जाता है। रामू उस पत्थर से एक और इच्छा मांगता है। जादुई पत्थर, मुझे अमीर बना दो और मुझे एक बड़े से घर में प्रकट करो। बस वो तुरंत ही एक बहुत बड़े घर में प्रकट हुआ और उसके कपड़े भी अमीरों जैसे हो गए थे। ये सब देखकर रामू बहुत खुश हुआ और अपनी जिंदगी आराम से बिताने लगा।
बना दो और मुझे एक बड़े से घर में प्रकट करो।